तो फ्रेंड्स आपके लिए लेकर आए हैं रवे की कतलियाँ, जिसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो शकर, आधा किलो रवा, 10 ग्राम किशमिश, 10 ग्राम चिरौंजी और केवड़ा, थोड़ा सा रंग, 100 ग्राम घी है और 50 ग्राम नारियल। आइए इसको कैसे बनाते हैं। अब हमने कढ़ाई गैस पर रख दी है, अब इसमें घी डालते हैं। इसको तब तक भूनना है जब तक हल्का ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए अब 5 से 7 मिनट में ये हल्की ब्राउन हो गई है हमारी। अब रवा ये तैयार है, अब इसमें खुशबू आने लगी है। अब हमारी भूनकर ये रवा तैयार हो गई है, इसमें अब चिरौंजी मिलाना है, सारी चीज़ें इसमें मिला लेना है। नारियल भी सब मिला देना। ये हम इसको 2 भागों में बांटेंगे, इनको हमें अलग अलग रंग की कतलियाँ बनानी है। अब हमें चाशनी बनाने के लिए 1.5 गिलास पानी चाहिए, 1 गिलास डाल दे रहे हैं पहले। ये 1.5 गिलास पानी डालते हैं, अब इसमें 3 गिलास शक्कर डालते हैं। अब हम इसकी चाशनी बनाते हैं। मीडियम लो पर अब हमारी चाशनी तैयार है, अब इसमें हम रवा डालते हैं। हम इसमें कलर भी डालते हैं थोड़ा सा। ये हमारा खाने वाला कलर है। अब केवड़ा भी इसमें डालते हैं थोड़ा सा, आधा ढक्कन। ये इससे हमारा स्वाद और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 10 मिनट में ये जमने के लिए तैयार हो जाएगी। लीजिए अब तैयार हो गई रवे की कतलियाँ। इसको हम काटते हैं। इसी तरह से व्हाइट कतली भी बनेगी। लीजिए हमारी दोनों तरीके की कतलियाँ तैयार हैं, जो खाने में काफ़ी लजीज हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।